तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज, लोह पुरुष को नमन, लोह पुरुष को पीएम मोदी नमन कर रहे हैं। परेड होती है वो देश की जो विविधता में एकता है उसका एक प्रदर्शन होता है, उसका एक शोकेस होता है, और वही इस बार भी होने वाला है। बिल्कुल, ये तो आपने बताया प्रोग्राम में, लेकिन तो हम आपको इस समय तस्वीर दिखा रहे हैं, पीएम मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन कर रहे हैं। तो तस्वीर देखिए, लगातार टीवी स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहे हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, इस मौके पर पीएम मोदी उन्हें पुष्प अर्पित कर नमन कर रहे हैं, साथ ही जल चढ़ाकर भी उन्हें नमन किया गया। देखिए तस्वीरें, किस तरह से पीएम मोदी पुष्प अर्पित करके उन्हें नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लौह पुरुष को नमन यहां पर किया जा रहा है, लौह पुरुष को पीएम का नमन यहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी किस तरह से हाथ जोड़कर उन्हें नमन कर रहे हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है, इसी मौके पर पीएम उन्हें जल और पुष्प अर्पित करके नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लौह पुरुष को पीएम का नमन यहां पर दिखाई दे रहा है। तो केवड़िया में पीएम मोदी इस समय मौजूद हैं, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज है, इस मौके पर पीएम उन्हें नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस समय टीवी स्क्रीन पर हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से पीएम मोदी हाथ जोड़कर और सर झुकाकर उन्हें नमन कर रहे हैं। तो यहाँ पर लौह पुरुष को नमन किया जा रहा है, लौह पुरुष को पीएम का नमन यहाँ पर देखा जा सकता है। तो केवड़िया में पीएम मोदी समय मौजूद हैं, लाइव तस्वीरें न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। देखिए जल और पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया है। तो लौह पुरुष को पीएम का नमन, पीएम मोदी इस समय वहां पर मौजूद हैं, जल पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया, साथ ही हाथ और सर झुकाकर पीएम मोदी ने उन्हें नमन किया है। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे अभी केवड़िया से, जहां पर पीएम मोदी मौजूद हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है, इसी मौके पर उन्होंने वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नमन किया। तो चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं, बड़ी खबर भोपाल से है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है। जयंती को लेकर एमपी के कई जगहों पर कार्यक्रम किया जाएगा, पूरे एमपी में यूनिटी रन के साथ शपथ ग्रहण का आयोजन होगा। तो कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, तो सीएम शिवराज कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, इसी मद्देनजर आज एमपी में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो शाम 4 बजे कार्यक्रम होगा, राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। तो इस समय बड़ी खबर भोपाल से है, जहां जयंती को लेकर एमपी के कई जगहों पर कार्यक्रम होना है, पूरे एमपी में यूनिटी रन के साथ शपथ ग्रहण का आयोजन होगा। तो आयोजन का जो कार्यक्रम है वो कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बड़े स्तर पर किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी भोपाल से है। तो शाम 4 बजे कार्यक्रम का आयोजन जो है किया जाएगा, खुद सीएम भी शामिल होंगे, साथ ही राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर भोपाल से। अमितांशी जोशी मेरी सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमितांशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है, कितने बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? देखिए, जाहिर सी बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको सभी अपना आदर्श मानते हैं, खासकर अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना आइकन के रूप में मानती है, और इसी कड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम जो है राजधानी भोपाल में आयोजन उसका होगा, और शाम 4 बजे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। देखिए, राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, तो जाहिर सी बात है सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ यहाँ पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल को आमंत्रित किया गया है। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर खास कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में
आज सुबह से ही यूनिटी रन का आयोजन किया जा रहा है। यूनिटी रन मतलब जितने भी लोग रहेंगे, कोई भी वर्ग के हो, कोई भी धर्म के हो, सब उसमें शामिल होंगे और एक साथ दौड़ में हिस्सा लेंगे। साथ ही जो शाम को कार्यक्रम होने वाला है उसमें राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के गीतों को प्रस्तुत किया जाएगा। पुलिस बैंड इसमें खास प्रस्तुति देने वाला है और खास इसमें उद्बोधन रहेगा जो कि सीएम शिवराज और राज्यपाल मंगूभाई पटेल का रहेगा। लेकिन राजधानी भोपाल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में अलग रंग देखने को मिलेंगे। यूनिटी रन का आयोजन जो है पूरे प्रदेश भर में किया जाएगा। साथ ही इस बार खास एक चीज होने वाली है, शपथ ग्रहण, जो कि शपथ दिलवाई जाने वाली है तमाम जिलों में, तमाम स्कूलों में, जहां पर भी यूनिटी रन का आयोजन होगा आज कार्यक्रम में। ये शपथ रहेगी एकता की शपथ, जो यूनिटी की शपथ है कि किस तरीके से एकता के साथ भोपाल, मध्य प्रदेश और पूरे देश के लोगों को आगे बढ़ना है और सब एक बराबर हैं और किस तरीके से यूनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर सभी जगह आज शपथ दिलवाई जाने वाली है। काफ़ी बड़ा ही कार्यक्रम होगा। एकता का संदेश देने की कोशिश करते हुए यहाँ पर सीएम शिवराज, राज्यपाल मंगूभाई पटेल समेत पूरे प्रदेशवासियों को देते हुए नजर आएंगे और एकता के संदेश के लिए यहाँ पर कई दौड़ों का भी आयोजन होगा। पूरे प्रदेश भर में आज खास कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, बड़े स्तर पर जो है कार्यक्रम होने वाला है पूरे एमपी में। बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए।